हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति आदरणीय श्रीमती संगीता चंद्रा जी और आज के विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति श्रीमती सरोज यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपसे रिक्वेस्ट है, कर्तव्य ध्वनि के साथ हम अपने दोनों अतिथियों का अवसर के इस महापुरा सभागार में स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बार में महिलाओं के की भूमिका और महिलाओं के योगदान को देखते हुए आज एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि सामने दिख रहा है कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है महिला अधिवक्ता, महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक कदम। हर महिला अपने आप में, विशेष रूप से महिला अधिवक्ता अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होती है और समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में एक टॉर्च बेरर होती है। हमारे दोनों अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा जी, जैसा हमने पहले बताया था, इस बार में महिला अधिवक्ताओं के लिए जितनी चुनौतियों की बात कही जाती है उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए एक मुकाम उन्होंने हासिल किया और आज न्यायमूर्ति के पद पर सुशोभित है। उसी तरह से जो एक दूसरा पक्ष है वकालत का, हमारी आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती न्यायमूर्ति सरोज यादव जी, आप SJS से सिलेक्ट होकर के हायर जुडिशरी में अपने सभी पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए उन सभी तथा कथित समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हैं अपने परिवार में। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा। The war has been very unlucky because we have had so little females, so little number of females here, so few females here. So it has been kind of unfortunate. But when you look around, you find in all offices, the ladies have almost always been absent. That is because we have in our family, in our lives, we have experienced a kind of attitude, a prejudice towards the ladies. But that prejudice has to be overcome only by knowledge and only by your self efforts, because you have to come. जब कोई लड़की, कोई female feticide की बात करते हैं हम, जब कोई लड़की माँ के गर्भ में आती है तभी से उसके खिलाफ साजिश शुरू हो जाती है।
लेकिन आप फॉर्चुनेट हैं कि आपकी मदर्स और आपके फादर्स ने आपको यहाँ तक एजुकेट करके लाया, तो आप फॉर्चुनेट हैं, आपने यहाँ तक आई और आपकी एग्जिस्टेंस अभी भी बनी हुई है और आप दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसमें केवल हम लोग जो काम करते हैं वो हम अपने जो लिटिगेंट है उसकी बात कोर्ट तक पहुँचाते हैं और न्याय उसको दिलाने का काम करते हैं। तो कहाँ तो आपको अभी एक सबसे पहली जो हमारी वक्ता थी अंकिता तिवारी, उन्होंने ये बात कही कि सूरज को हम पूछते हैं और रोशनी को मार देते हैं। तो सूरज लड़का है और रोशनी लड़की है, सभी जानते हैं, लेकिन अगर लड़की को आपके मम्मी पापा ने लाया है इस दुनिया में तो इसका और आपको पढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया है, तो फिर आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि आप भी वो जो उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे आपकी तरफ कि आप उनको पूरा करेंगे सिर्फ शेयर हार्डवर्क से, और हार्डवर्क और नॉलेज दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर नॉलेज है और हार्डवर्क नहीं है तो कुछ नहीं है, और अगर हार्डवर्क है और नॉलेज नहीं है तो भी कुछ नहीं है। तो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अगर हार्डवर्क करते रहें, अगर परसिवियर करते रहें, लगातार एक ही चीज़ को लगातार करने से, जो कहते हैं करत करत अभ्यास, तो वही है, तो हम सुजान भी हो जाते हैं, जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है। तो इट इज़ द मोर टाइम दैट यू डिवोट इन योर प्रोफेशन दैट इज़ व्हाट मैटर्स, द मोर टाइम, इवन रोटी भी बनाते वक्त, आटा गूंधते वक्त भी आपके ध्यान में वो मुकदमा चल रहा होता है, उसकी बहस चल रही होती है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने सिर्फ रोटी ही बनानी है और आटा ही गूंदना है और बच्चों को ही अगर खिलाना है और ये सोचा कि ये भी एक साइड में काम है जो हम कर रहे हैं, तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन जो भी काम करें, अगर आप रोटी बनाए तो हम ये नहीं कहते कि आप रोटी जला दें, रोटी भी बनाएं, लेकिन साथ साथ अब जो आपका परम ध्येय है वो आपका प्रोफेशन है, जो लिटिगेंट आपके पास आया है, जिसने आपको फीस दी है, आप पर विश्वास किया है कि आप उसके लिए लड़ेंगे, आप उसके लिए खड़े होंगे, उसका मुकदमा ठीक से बहस करेंगे, ठीक जजमेंट साइट करेंगे, जो फैक्ट्स हैं वो सही बताएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपका जो आपके मम्मी आपके पेरेंट्स का जो आपके ऊपर विश्वास था, जो उन्होंने पढ़ा करके आपको यहाँ तक भेजा, वो आप कहीं कहीं तोड़ते हैं। तो मेरा तो अपना यही एक्सपीरियंस है कि आप जो भी काम करें, घर में आप जो भी काम करें आप करते रहें, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई और अपनी फाइल, अपना केस, उस पर ज़्यादा ध्यान दें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या, मेरे पास तो और कोई बात रहती नहीं। हमने पहले भी इन लोगों से ये कहा था कि हम कम बोलते हैं, क्योंकि वट एवर आई हैव टू से आई से थ्रू माई जजमेंट्स। आई एम नॉट नोन फॉर बींग अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, आई एम नोन बाय माई जजमेंट्स, जजेस शुड बी नोन बाय द जजमेंट्स एंड नॉट बाय एनीथिंग एल्स। सो आई बिलीव वट एवर आई हैव सेड, मे बी बिकॉज दिस इज माई फैमिली एंड आई एम टॉकिंग टू यंग गर्ल्स, यंग प्रोफेशनल्स हु हैव कम हियर विद सम होप। श्रीमती संगीता चंद्रा जी, मेरी बहन, अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश चौधरी जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजावत जी, महासचिव जी मिस्टर त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित बार एसोसिएशन के अन्य प्रतिनिधिगण तथा अन्य सभी सम्मानित बार के सदस्यगण, देवियों एवं सज्जनों, और इस सभा कक्ष में उपस्थित आज इस देश की आधी आबादी, जिसके सम्मान में आज ये उत्सव आयोजित किया गया है, तथा शेष बची आधी आबादी जिसमें हमारे पुरुष अधिवक्तागण आते हैं,
सर्वप्रथम सभी को बहुत बहुत बधाई इस उत्सव पर, या यूं कहूँ नारीत्व के इस जो आयोजन को, के उत्सव को मनाने के लिए जो आयोजन किया गया है उसके लिए उसके आयोजक गण को बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, सभी को बहुत बहुत बधाई। ये दिन कैसे मनाया गया, कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जेंडर इक्वलिटी की बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि जेंडर इनइक्वलिटी रही। वर्ष 1908 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में महिलाओं ने इस संबंध में प्रदर्शन किया, क्योंकि उनको बहुत सारे अधिकारों से, जैसे मताधिकार से और भी अन्य अधिकारों से वंचित रखा गया था। उन्होंने प्रयास किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद सभाएं हुई, वार्ताएं हुई और बहुत सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए, और तभी से ये दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसका साकार परिणाम भी देखने को मिला। आज इस अवसर पर अगर महिला अधिवक्तागण की उपस्थिति में कॉर्नेलिया स्वराज जी, आपका आप सबने मुझे लगता है नाम सुना होगा उनका, कॉर्नेलिया स्वराज जी का नाम, उनको याद करना, उनको नमन करना बहुत आवश्यक है। वो पहली महिला थी जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका पंजीकरण एक अधिकृत लॉयर के रूप में हुआ, महिला लॉयर के रूप में हुआ। और इससे भी ज़्यादा आप गौरव महसूस करेंगी कि वो किसने किया, कहाँ किया, वो हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दिया। अगर मुझे ठीक से याद है तो शायद वर्ष 1924 रहा है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ किया, लेकिन उनकी डिग्री विदहोल्ड कर दी गई, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं भी महिलाओं को एक अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने बॉम्बे से पढ़ाई की, वो वहाँ की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में आके अपने रजिस्ट्रेशन के लिए केस डाला, लड़ाई लड़ी, तो इस गौरवशाली हाई कोर्ट ने उन्हें अनुमति दी। जो न्यायाधीश थे उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मिलनी चाहिए, कहाँ मना है कि महिला का पंजीकरण एक अधिवक्ता के रूप में नहीं होगा। और अगर आप उनके जीवन को पढ़ें तो उनका जीवन कितना संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने पंजीकरण कराने के 2-3 साल बाद ही इस पेशे को छोड़ भी दिया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी समाज सुधारक थी, सोशल वर्कर थी, वो अपने उस काम के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट हो गई। तो मेरा ये मानना है हर किसी महिला अधिवक्ता को उनका जीवन जरूर पढ़ना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए कि क्या क्या किया उन्होंने। जैसे अभी यहाँ बात हो रही थी, मेरी बहनें छोटी बात कर रही थी कि लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स अपनी बता रही थी, लेकिन आप इतने सक्षम हैं कि आप इन सारी प्रॉब्लम्स को रौंदते हुए आगे बढ़ सकती हैं, आपके अंदर वो जज्बा है। पर ये किसी की ओर ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करें या आपको मदद करें किसी तरह की, बस हाँ ये ज़रूर है कि कोई प्रतिकूल आचरण यहाँ ना हो, कोई प्रतिकूल माहौल इस तरह का ना बने कि उनको ऐसा लगने लगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। लेकिन आप सक्षम हैं उस सभी से लड़ने के लिए। उस पंक्ति को ज़रूर याद रखें, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस,
डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। जो आपके ऊपर प्रतिबंध हैं, जो आपकी आपकी उड़ान को सीमित कर रहे हैं, उनको चैलेंज करिए, उनकी ओर मत देखिए कि जो आपको प्रतिबंधित कर रहे हैं। आपने अभी शायद 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा होगा, मैंने नज़र डाली थी, अमेरिका से कोई फाइटर प्लेन उड़ा था जो भारत आया था, और उसको लाने वाले जितने पायलट्स उसमें थी सभी महिलाएं थीं, कोई पुरुष पायलट उसमें नहीं था। तो आप किसी से कमतर नहीं। मैं इधर देखो, ठीक है।